वेलकम नाजी दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर जमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। पंजाब असम्बली में बहुत ही एक्टिव है नून लीग की रुकन असम्बली बुशरा अंजुम भट्ट साहबा। बुशरा साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का, क्या कहेंगी हुकूमत का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, अफवाहें भी चल रही हैं कि बस ये बजट के बाद जुलाई अगस्त में। देखिए ये सारी जो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी का दौर तो है, लेकिन ये कि ये अफवाहें जो फैलती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मज़ीद जो है ना कन्फ्यूजन फैलाने के लिए होती है। मेरा ख्याल से हमने जो बजट बड़ी मेहनत से अवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश की है, रिलीफ देने की कोशिश की है, हालांकि सिचुएशन वाज नॉट इजी। एट द सेम टाइम राइट नाउ आपको इतना बताएंगे, डेढ़ साल पूरा करेगी हुकूमत और जो हमने वो कहते हैं ना मुश्किल फैसले लेने थे वो ले लिए, इरिस्पेक्टिव द फैक्ट कि हमारी अपनी पॉपुलैरिटी इफेक्ट हो, लेकिन राइट नाउ इट इज़ द नीड ऑफ द आवर और इंशाल्लाह हम अपनी टर्नओवर पूरा करेंगे। अच्छा, मुश्किल फैसले ले लिए, अब मुश्किल फैसलों के ज़्यादा साथ आवाम पे आए हैं, उमरा के ऊपर, इस मुल्क के अशरफिया, उसके ऊपर भी कोई असरात आएंगे मुश्किल फैसलों? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपके सामने सुपर टैक्सेस लग रहे हैं और ये सारा कुछ, ये आप देखिए हमने हेल्थ कार्ड तक को जो है उसमें चेंजेस ला के निचले तबके को दिया है, तो हमने तो पूरी कोशिश की है कि सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है टैक्स ब्रैकेट ऊपर वाले तबके को दिया जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, जबकि नीचे वालों को सब्सिडीज़ दी जाए। जी, आम आदमी को सब्सिडी देना चाहते हैं और इस हवाले से हुकूमत ने अहम फैसले भी किए हैं और आने वाले दिनों में कुछ आवाम को आसूदगी भी हो।